लगता है भाई साहब, जनरल क्लास देख लो कितना भीड़ है। और भाई साहब देख सकते हो ट्रेन का हालत कुछ ऐसा है। 20 है भाई, 20 का नोट है। ट्रेन में हम और हमारे खेसारी लाल भाई के साथ। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मेरा नाम अजीत सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। और आप सभी के पीछे तो ये ट्रेन जाती दिख रहा है ना भाई, इसी ट्रेन में आप सभी को जर्नी कराऊंगी। ये ट्रेन तो ऐसा ही है, हावड़ा मेल है, यानी ट्रेन नंबर 12840 चेन्नई हावड़ा मेल, जो कि भाई साहब हफ्ते के 7 दिन चलती है चेन्नई से हावड़ा के बीच में। लेकिन हम तो इसे भुवनेश्वर से वेट करेंगे और पूरे का पूरा हावड़ा तक जाएंगे। भाई साहब जर्नी जनरल क्लास में होने वाली है, क्योंकि पता है मेरा कोई सी भी जर्नी आजकल इमरजेंसी में हो रहा है। बाकी भीड़ देख लो, भीड़ का कमी नहीं। और अंदर घुस के दिखाते हैं कि क्या हालत होने वाला है अपना और इस ट्रेन का। भाई साहब जनरल क्लास देख लो कितना भीड़ है, दबा के ऐसा लग रहा है कि भाई भुवनेश्वर से ट्रेन खुलेगी और लंबा सफर करने वाला, लंबा सफर करके आ रही है। लेकिन भीड़ इसका कुछ है, कम होने वाला नहीं है। बाकी देखते हैं कहीं ना कहीं से हम भी घुस जाएंगे और आप सभी को लेकर जाएंगे। घुसने दीजिए इस गेट पे, पीछे ये लास्ट बोगी है, ये था लेकिन एक में डाक पार्सल ले रखा है, तो क्या ही किया जा सकता है। और भाई साहब देख सकते हो ट्रेन का हालत कुछ ऐसा है, मतलब भाई भीड़ का कुछ कहने लग नहीं। और अपने साथ ये भाई भी जा रहा है, खड़गपुर तक जाने वाला है, रास्ते में मिल गया हमें। बाकी देखते हैं 2 मिनट में ट्रेन निकलेगी तो निकलेंगे, क्योंकि हवा और शांति दिमाग है पूरा फ्रेश होने से। भाई पहले बहुत ही ज्यादा भीड़ था, पानी निकल वाला तो चिल्ला ही रहा है। और भाई साहब निकल चुके ट्रेन अपने देख सकते हो इस भुवनेश्वर के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। वैसा इसका रिनोवेशन का काम हो रहा था, आपको अगर डोरमेट्री और ये सब रिटायरिंग रूम चाहिए तो अभी फिलहाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे भी 20 स्तरीय रेलवे स्तर पर डेवलप किया जा रहा है। बाकी आप सभी को जर्नी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी धमाल तो होने वाला है इस भीड़ में, और गर्मी इतना है कि जान लेने को तुला पड़ा है। भुवनेश्वर कटक। सही कह रहा भाई, इंजीनियर का कोई भरोसा नहीं, पैर टूट सकता है। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई साहब कटक, और ये कटक पहुंची है पूरे के पूरे 5:15 पे। जी हाँ, चलिए भुवनेश्वर से कटक लाने में 1 घंटा 15 मिनट के आसपास ले चुकी है। चलिए जो ट्रेन है ना, करीबन 1 घंटा 15 मिनट मतलब आधे घंटे के आस 1.5 घंटे के आसपास लेट चल रही है। वैसे बात करूँ इस कटक रेलवे स्टेशन की, स्टेशन कोड CTC 5 प्रमुख का रेलवे स्टेशन, जहाँ पर 176 ट्रेनों का हॉल्ट है। और इस रूट में भाई साहब जब भी आओगे, कोई सी भी ट्रेन हो अगर हावड़ा जा रही हो ना, तो 100% है भाई साहब भीड़ जो होता है वो ऐसा ही होता है। लेकिन पानी होने के लिए भी है, जो कि यहाँ पे लोग भर रहे हैं, और पेंट्री कार में भी खाना पीना पानी सब मिल रहा है। अब क्या पता किस रेट में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन पकौड़े वकौड़े तो सही सही मिल रहे थे। बाकी देखते हैं कि क्या करते हैं। बाकी कटक के बारे में भाई साहब नहीं जानते हो ना, हर बार बताता हूँ और इस बार बताऊँगा भाई साहब कटक के दही बड़े, मतलब ऑथेंटिक दही बड़े कहीं मिलते हैं तो वो सब कटक में। दही बड़े खाओ और मन और दिमाग दोनों शांत हो जाएंगे। बाकी चलते 5 मिनट का अच्छा खासा, यहाँ पर भी हॉल्ट है और मेंटेनेंस के कारण शायद बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही है अपनी ट्रेन। चल 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 चलो, अरे लाल बैग वाले भैया आप चलो यार, हम लोग यहीं रहे। बैग रखने रुके ओ भाई, थोड़ा अंदर अंदर चलो भाई, बैग रख मत मत बुड़ियो ओ भाई, यहां से तभी इधर हम तो देख पाए। आ जा आ जा, अंदर चल जाने दे। हां अंदर ही जाने दे रे चाचा, आपको अंदर ही जाने देंगे। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये थोड़ा पास छोड़ मिल जाएगा ना भाई, अंदर आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओह भाई साहब, तो जी निकल चुकी है भाई साहब ट्रेन अपनी कटक से, और कटक में भाई साहब इस ट्रेन का कस्टमर लोग कुछ ज्यादा ही है, दबा के मतलब भीड़ चढ़ा। और आगे में स्लीपर में भी चढ़ा है, क्योंकि देखो इसमें 2 जनरल कोच है, जिसमें से एक का डाक पार्सल बना रखा और एक में आदमी, तो बाकी सारे जनरल वाले जाएंगे कहाँ, तो स्लीपर में घुसे पड़े हैं। करीबन 20-40 तो घुसे अभी दौड़ दौड़ के। चलिए दोस्तों ट्रेन अपने देख सकते हो पहुंच चुके जजपुर के अंजर रोड, और ये वाला देखो ये वाला डाक बना पड़ा है, इसलिए
सभी को पीछे दौड़ दौड़ के आना पड़ रहा है। वैसे ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन जहाँ पे 108 ट्रेनें आकर रुक जाती हैं। और बात है ना भाई साहब, इस ट्रेन का इतना हालत खराब, देखो डाक वाला पार्सल अब निकल भी चुका है, मतलब धीरे धीरे ये खाली होता है, हावड़ा तक तो खाली हो ही जाएगा। बाकी यहाँ पर भी अच्छा खासा छोटा सा 2 मिनट का हॉल्ट है और ये सारा स्टेशन का ही हालत हो रहा है भाई। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वाला खाली रहता जो कि अभी पूरा भरा है और धीरे धीरे खाली हो रहा है, तो इतना परेशानी तो नहीं होता। बाकी देखते हैं, वही चलते हैं अपने जहाँ पे खड़े थे, क्योंकि इस ट्रेन में खड़े ही रह सकते, बैठने का भाई सब सोचना ही बड़ा मुश्किल है अपने लिए और बाकी लोगों के लिए भी। ये दोस्तों ट्रेन अपनी देख सकते हो पहुँच चुकी है भद्रक, और भद्रक में भीड़ कुछ है उतरा है। वैसे ये तो 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 129 ट्रेनें आकर रुक जाती हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जो भीड़ है ना भाई साहब, वो इधर का हर एक रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये शुक्र मनाओ जहाँ भी मैं उतर रहा हूँ वहाँ पे ये लाइट का दर्शन हो जा रहा है, जिससे आपकी बातें हो रहा है और मोबाइल से ब्लॉग बनाने का ये भी रीजन होता है ना कि भाई साहब कहीं भी रहो तो फ्लैश जला के देख सकते हो, लेकिन गोपुरों में हालत ख़राब हो जाता था। बाकी जो भद्रक है भाई साहब, फेमस है अपने माँ भद्रकाली के नाम पे, माँ भद्रकाली के टेम्पल के लिए, क्योंकि ये जो भद्रक रेलवे स्टेशन पड़ा है ना वही पड़ा है इस माँ भद्रकाली के टेम्पल के नाम पर ही पूरे शहर का। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। इस ट्रेन में भाई साहब हालत ख़राब हो गया है, सोचो भुवनेश्वर से चढ़ा हूँ, इस भीड़ में मुझे कहीं भी एक पल के लिए भी बैठने को नहीं मिला, तो देखता हूँ कब शायद कहीं बैठने को मिल जाए, तो अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे ही ज़्यादा लोग निकले हैं यहाँ पे। सब कुछ नहीं होता अभी नोट को कैसे पहचानते हो, देखते हो कि पहचानते हो? हाँ तो देखा जाए, देखो ये लो, कितने का है? 20 है भाई, 20 का नोट है नया वाला जी, 20 का दोस्त 20 का ये भैया, ऐसे नोट की पहचान हो जाती है। भाई ट्रेन रुक गया, उतरना भाई, उतरो यार, उतरो 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 उतरो, पानी ठंडा पानी। बालेश्वर, चलिए जी भाई साहब ट्रेन अपनी देख सकते हो पहुंच चुकी है बालेश्वर, और हम लोग आए हैं बिल्कुल बालेश्वर के बोर्ड के सामने ही। वैसे होती है भाई साहब 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 153 ट्रेनें आकर रुक जाती हैं, और भाई साहब ये साथ साथ में इतना मस्त समुन्दर का हवा आ रहा है जी हाँ। यहाँ पे भाई साहब ये जो बालेश्वर है, बालेश्वर में चांदीपुर बीच है, अगर आप सभी को समुद्र के मजे लेने हैं और समुद्र में नहाना धोना और घूमना फिरना है तो चांदीपुर बीच जा सकते हो। अगर आपको भाई साहब खाना पसंद है ना मटन, तो मटन और भुजा कहीं और नहीं, यहीं का फेमस है, चंपारण मटन मीट फेमस है, लेकिन यहाँ का जो मटन है भुजा के साथ उसका एक अलग ही क्रेज है। बाकी आप अच्छा खासा हॉल्ट से आ चुके हैं अपने इसे वापस ट्रेन में, हम और हमारे खेसारी लाल भाई के साथ। देखो कहाँ बैठे हैं, यहीं पे बैठे हैं, क्योंकि ये जो बाहर गेट का नजारा देख रहा हूँ, उस गेट से जिस ट्रेन पे मतलब जिस स्टेशन पे जा रही है वहाँ भाई भीड़ ही भीड़ है, तो जहाँ पे बैठने का मिलना वहाँ बैठ जाओ, क्योंकि ऊपर में जो बाहुबली लोग जो चेन्नई से सीट पकड़ रखे हैं भाई, तेरे को बैठने दिए ना, इस भाई को चेन्नई से बैठने दे रहे हैं, मतलब चेन्नई से यहीं जा रहा है, और इस भाई का फाइन भी कट गया था। देखो बात यह है ना, इस भाई टिकट कटाने की कोशिश किया था, लेकिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ, टिकट नहीं दिया, तो चेन्नई की तरफ जाता हो या कहीं साउथ की साइड में तो लैंग्वेज इशू बहुत होती है, तो अपना ध्यान से टिकट उकट कटवाना है, किसी से पूछ लिया करो, तो आपको 250 का जो फाइन होता है वो नहीं देना पड़ेगा। बाकी अब तो लंबा दूरी तय करने के बाद आएगा खड़गपुर, जहाँ पे आप सभी से बातें और मुलाकातें होंगे, अच्छा खासा समय मिलेगा, वहाँ पे टिकटों की चेकिंग दबा के होगी। चलो भाई चलो चलो चलो, उतरो उतरो, दौड़ जा भाई तू दौड़ जा, चलो 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 चलो,
जी दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई साहब, एक मस्त ही खूबसूरत लाइटिंग वाला रेलवे स्टेशन, यानी अपने देश के जाने माने रेलवे स्टेशन भाई साहब खड़गपुर है, जंक्शन रेलवे स्टेशन, और इतना मस्त लाइट है ये देखो। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बस उसी में गड़बड़ाया। वैसे जो अपनी ट्रेन है ना करीबन एक घंटे अभी भी लेट चल रही है, डेढ़ घंटा की आधा घंटा मेकअप की है, और पता नहीं हावड़ा कब छोड़ेगी। मेरा 11:55 का हावड़ा से ट्रेन था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पकड़ पाएंगे। भाई साहब निकल चुके, देख सकते हो अपनी ट्रेन खड़गपुर से, और खड़गपुर से निकलते इतना खाली हो गया है कि सभी लोग अभी सीट पर सो सकते हैं, मुझे भी ऊपर बैठने का जगह मिल रहा है। बाकी देखते हैं अब अच्छा खासा रनिंग होगा करीबन 1.5-2 घंटे का। वैसे तो ये टाइम दिखा रहा है 12 बजे रात को पहुँचने के लिए, अगर 10-20 मिनट पहले पहुँचाता तो मेरी ट्रेन कनेक्टिविटी ट्रेन जो है वो पकड़ी जाएगी, वरना छूटेगी तो स्टेशन पर ही गुजारना पड़ेगा। आज ये अपना रात चल रहा भाई, हावड़ा 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 हो जी। तो चलिए दोस्तों फाइनली देख सकते हो हम और हमारा ये उतरा हुआ शक्ल के साथ ये हमारी खूबसूरत सी ट्रेन, जो कि अब रही नहीं क्योंकि भाई साहब इसे लोगों ने बहुत ही गंदा कर दिया है, आ चुका है भाई साहब हावड़ा। जी हाँ हावड़ा है पूरे के पूरे 1 घंटा 30 मिनट लेट, यानी 1.5 घंटा जैसे शुरू से लेट चल रही है भुवनेश्वर आने के बाद से, तब से ये लेट ही चल रही है। वैसे अगर बात करें इस ट्रेन और इस ट्रेन जर्नी की तो भाई साहब जो चेन्नई वाले होंगे वो तो बढ़िया बताएंगे, जैसे चेन्नई से कैसा लगा भाई ट्रेन में आके, मजा आया कि हालत खराब है? हालत खराब। तो हालत खराब है अगर आप जनरल में आते हो, अगर इसी के साइन कास्ट यानी स्लीपर में जब आओगे तो शायद आप सभी को मजा और सफर सुखदायक हो पाए। बाकी हम देखते हैं, हमारा तो सफर ठीक ठाक रहा क्योंकि हमारा छोटा था और बैठने का भी व्यवस्था हो गया था बीच में। बाकी देखते हैं आप सभी को सफर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी से खूबसूरत से रेलवे स्टेशन पे बारिश में रात गुजारेंगे और सुबह जाएंगे, क्योंकि दोनों है इन्हीं के साथ में मेरा भी रात गुजर जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी के साथ, किसी नेक्स्ट शहर में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए जन्म हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।